क्वेश्चन, बिंदु सी पर एक समकोण है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में यदि टेन ए बराबर एक है तो सिद्ध कीजिए टू साइन ए कोस ए बराबर वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें उन्होंने दिया बिंदु सी पर समकोण, तो यहाँ पे समकोण है तो ये हो जाएगा सी, इसे मान लो बी, इसे मान लो ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। हमें दिया है टेन ए बराबर वन, तो यहाँ लिख टेन ए बराबर वन, इसे मान लेंगे वन अपॉन वन। तो टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। कैसे पता करेंगे, हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, तो साइन कोस टेन, तो टेन क्या हो गया, हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब बराबर हो गया वन, आधार आ जाएगा हमारा वन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। अगर कर्ण निकल जाता है तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण में निकालना है तो के स्क्वायर, लंब कितना है वन, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा वन प्लस वन यानी कि टू, तो के बराबर आ जाएगा टू का अंडर रूट। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, टू साइन ए कोस ए बराबर वन। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन कोस टेन यानी लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है वन, कर्ण कितना है अंडर रूट दो। ठीक है, फिर किसका निकालेंगे, कोस का, कोस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है वन और कर्ण कितना है अंडर रूट दो। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें इन दोनों का मान रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा वन। ठीक है, तो टू इंटू साइन ए का मान कितना, एक बटा अंडर रूट दो, कोस ए का मान कितना, एक बटा अंडर रूट दो बराबर वन। तो अंडर रूट दो गुना अंडर रूट दो कितना हो जाएगा, दो बराबर वन। तो टू से टू कट जाएगा, वन बराबर वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया टू टेन स्क्वायर पैंतालीस प्लस कोस स्क्वायर तीस माइनस साइन स्क्वायर साठ का मान निकालिए। ठीक है, तो क्या दिया, टू टेन स्क्वायर पैंतालीस प्लस कोस स्क्वायर तीस माइनस साइन स्क्वायर साठ। तो पहले देखेंगे टेन पैंतालीस का मान कितना होता है, तो टेबल देखेंगे। तो टेन पैंतालीस, टेन पैंतालीस कितना होता है वन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू गुना वन का स्क्वायर प्लस कोस तीस, कोस तीस का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट तीन बटा दो। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट तीन बटे दो का होल स्क्वायर माइनस साइन साठ, साइन साठ कितना होता है, साइन साठ हो जाएगा आपका अंडर रूट तीन बटे दो। तो अंडर रूट तीन बटे दो का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा टू प्लस यह आ जाएगा अंडर रूट तीन का स्क्वायर तीन और दो का स्क्वायर चार माइनस तीन बटे चार। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, आंसर आ गया टू। क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो क्या दिया, टू साइन थ्री एक्स बराबर अंडर रूट थ्री, समीकरण में एक्स का मान निकालिए। ठीक है, तो एक्स का मान, इस वाले एक्स का हमें मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, टू साइन थ्री एक्स बराबर अंडर रूट तीन। तो ये साइन थ्री एक्स, इसे टू को इधर ले जाकर बटे में आ जाएगा, तो अंडर रूट तीन बटे दो। अब देखेंगे साइन में अंडर रूट तीन बटे दो किसका मान होता है। ठीक है, तो साइन में अंडर रूट तीन बटे दो होता है साइन साठ का मान, साइन से साइन कैंसिल, तो थ्री एक्स बराबर आ गया साठ। तो एक्स बराबर आ जाएगा साठ बटे तीन यानी कि बीस, तो एक्स बराबर आ जाएगा ट्वेंटी डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोस अड़तालीस माइनस साइन बयालीस का मान निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना है, देखो कोस अड़तालीस है माइनस साइन बयालीस है, कोस अड़तालीस माइनस साइन बयालीस, तो ये अड़तालीस है, इसे नाइन्टी में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बयालीस। तो इसे लिख लेंगे कोस नब्बे माइनस बयालीस, क्योंकि नब्बे में से बयालीस जाकर कितने बचेंगे अड़तालीस माइनस साइन बयालीस। तो कोस नब्बे माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो कोस नब्बे माइनस इसे ये थीटा है, तो साइन बयालीस माइनस साइन बयालीस। ठीक है, चूँकि कोस नब्बे माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा, तो इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस अट्ठारह, जहाँ टू ए एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हमें, टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस अट्ठारह। ठीक है, टेन टू ए बराबर, तो कोट क्या होता है, अगर हम देखें तो टेन नब्बे माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा।
तो कोट थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 10 90 माइनस थीटा, तो इसे लिख लेंगे 10 90 माइनस थीटा क्या है, a माइनस 18, तो a माइनस 18 ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, तो 2a बराबर 90 माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस 18, तो आ जाएगा 2a प्लस a इधर आ जाएगा, 90 और 18 हो जाएंगे 108, तो ये आ जाएगा 3a बराबर 108, a बराबर आ जाएगा 108 अपॉन 3, ये कट जाएगा 36 टाइम, 3 3 9 3 6 18, तो a बराबर आ जाएगा 36। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 73 अपॉन कोस 17 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन, 73 अपॉन कोस 17, इसमें हमें क्या करना है, इस वाले को ऐसा कैसे रखना, ऊपर वाले को चेंज कर लो, कैसे, 90 माइनस 73 कितने बच जाएंगे 17, तो इसे लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 घटा के 73 आ जाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 73 अपॉन कोस 17। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 17 कितना आ जाएगा, कोस 17 अपॉन कोस 17, तो आ जाएगा 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोस एग ए माइनस 1 अपॉन कोस एग ए प्लस 1 हमें सिद्ध करना है ठीक है। तो हम इसकी एल एच एस लेके चलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए ठीक है। तो कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए बटे साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस सॉरी कोस ए अपॉन साइन ए लिख लेंगे कोट को, और ये आ जाएगा कोस ए ठीक है। कोट ए बराबर साइन ए ठीक है, तो यहाँ से साइन एल सी एम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो आ जाएगा कोस साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए एल सी एम, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, साइन की मल्टीप्लाई कोस में हो जाएगी ठीक है। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे कोस कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा कोस ए वन माइनस साइन ए अपॉन, नीचे से भी कोस कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा वन प्लस साइन ए, कोस से कोस कैंसिल, तो क्या बचेगा वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। अब क्या साइन ए क्या को लिख सकते हैं हम, वन अपॉन कोस ए के वन प्लस वन अपॉन कोसैक ए, यानी कि क्या करा हमने, साइन ए को लिखा वन अपॉन कोसैक ए ठीक है। तो कोसैक ए ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोसैक ए माइनस वन अपॉन, नीचे से कोसैक को एल सी एम ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कोसैक ए प्लस वन, तो कोसैक से कोसैक कैंसिल, क्या बचा कोसैक ए माइनस वन अपॉन कोसेक ए प्लस वन, यही हमें सिद्ध करना, तो बराबर और एच एस यानी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना है हमें सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एल एच एस लेके चलेंगे, तो 2 + 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + तो 1 / 10 क्या होता है कोट, तो कोट स्क्वायर ये हो जाएगा 1 / कोट क्या होता है 10 10 स्क्वायर ए ठीक है। तो इसे 2 को लिख लेंगे 1 + 1 को इसके साथ ले लेंगे कोट स्क्वायर ठीक है, एक ब्रैकेट ये होगा प्लस एक 1 बचा था वो इसे इसके साथ ले लेंगे 1 + 10 स्क्वायर ठीक है। ये होता है क्या कोस स्क्वायर 1 + 10 होता है सेक स्क्वायर ए बराबर आर एच एस ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 + cot² a बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए ठीक है, और 1 + tan² होता है सेक स्क्वायर ए तो ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 + tan² θ अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये सीध करना है ठीक है। तो इसको कैसे सीध करेंगे, तो 1 + इसको एल एच एस लेके चलेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, 1 + tan² θ अपॉन
कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला एक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे इसमें, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कोस, तो इसलिए लिख लेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर एच एस, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है।